सो हेलो फ्रेंड, तो जो लोग ने भी कर्नाटका फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट के लिए फॉर्म फिलअप किया था, तो उनके लिए ये आज की वीडियो में ज़रूरी नोटिफिकेशन है। अभी ये रिलीज किया गया है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, जो सिलेक्टेड किए गए हैं उनका लिस्ट निकाला गया है विथ एग्ज़ाम डेट के साथ। तो इसमें हम लोग इसी के बारे में देखेंगे कि कौन कौन लोग एलिजिबल है, पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया गया है और क्या ज़रूरी बातें कही गई है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अभी मजा आएगा ना। तो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका यानी कर्नाटका बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो जो लोग भी अप्लाई किए थे फर्स्ट क्लास बॉलर अटेंडेंट के लिए, ठीक है, और ये जो भी नोटिस निकाला गया है वो नॉन कर्नाटका कैंडिडेट यानी कि आउटसाइड कैंडिडेट, जो भी कर्नाटका को छोड़ के जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे फर्स्ट क्लास के लिए, उनके लिए ये निकाला गया। ओके, इसमें आप देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम डेट यहाँ पे दिया गया है 5 जून से लेके 9 जून तक दिया गया है, ठीक है। और क्या एड्रेस है, तो बेंगलुरु डायरी, डॉक्टर MH मारिगो वड्डा रोड, बेंगलोर 560029, ठीक है। तो ये आपका एड्रेस है, इसी एड्रेस पर आपका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे पूरा जो नोट करके लिखा गया है जो ज़रूरी चीज़ें, कि जो लोग भी क्वालिफाइड हो गए एग्जामिनेशन के लिए आर इंस्ट्रक्टेड टू प्रोड्यूस एनी ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो कोई भी आपको एक ओरिजिनल अपना जो ID होता है उसको आपको साथ में लेकर जाना है। बाकी आगे और भी सारी चीज़ें हैं कि क्या क्या आपको साथ में लेकर ले जाना है। ओके, देखिए यहाँ पे सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको क्या क्या ले जाना है एग्ज़ाम के दौरान इस एड्रेस पे, साथ में एडमिशन लेटर यानी जो एडमिट कार्ड होता है वो, ओरिजिनल सर्विस सर्टिफिकेट जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो ले जाना है जो आपके प्लांट से मिला हुआ है या फैक्ट्री से, साथ में आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ले जाना है, ओरिजिनल सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट ले जाना है, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास के लिए एग्ज़ाम हो रहा है तो आपके पास ऑलरेडी सेकेंड क्लास का होगा, तो ये सिर्फ दिखाने के लिए वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आपको ओरिजिनल वाला लेकर जाना है। ओके, नेक्स्ट जो है कि ओरिजिनल ID प्रूफ आपको ले जाना है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये उनका लोकल लैंग्वेज में दिया हुआ है और ये इनका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो दिया गया है, इसी में निकलवा कर आपको ले जाना है। साथ में यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो पूरा आपको डेट वाइज यहाँ पे देखिए, एड्रेस तो वही है सबके लिए सेम है, जो यहाँ पे 5 जून को जो कि जितने लोग भी सिलेक्टेड हुए हैं, तो 5 जून को कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं उनका पूरा यहाँ पे डिटेल दिया गया है। तो उन्हीं लोग का एग्ज़ाम जो होगा वो 5 जून को होगा। तो सभी कोई ये जो नोटिफिकेशन है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, या आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है पावर प्लांट गाइड वहाँ पर भी जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और दे सकते हैं अपना नाम कि किस डेट में आपका एग्ज़ाम पड़ा है, ठीक है। जैसे 5-6 में इतने सारे लोगों का यहाँ पर एग्ज़ाम है, पूरा डिटेल में यहाँ पर दिया गया है, तो बारीकी से आपको अपना जो है नाम देखना है और आपको देख लेना है कि किस डेट में आपका एग्ज़ाम पड़ा है, उसी डेट को आपको जाना है, ठीक है। जैसे इतने सारे लोग हैं जो अभी 5 जून को ही है, यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखिए 6 जून को फिर कैंडिडेट आ गए। ओके, यहाँ पे 6 जून को अब कैंडिडेट सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट हो गया। ओके, तो इतने सारे जो अब कैंडिडेट आएंगे वो 6 जून के आएंगे। इसी तरह यहाँ पे नीचे आते जाएंगे तो आपको 7 जून को भी मिल जाएगा। देखिए 7 जून आ गया यहाँ पे, फिर उसी तरह यहाँ पे नीचे आएंगे तो 9 जून तक हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे 8 जून को इतने सारे अब कैंडिडेट आएंगे जो भी यहाँ पे लिस्टेड किए गए हैं, फिर उसके बाद लास्ट जो आएगा वो 9 जून को यहाँ पे आएगा। और अब जो इस लिस्ट में जितने सारे कैंडिडेट हैं तो उनका एग्ज़ाम जो होगा वो 9 जून को होगा। तो यहाँ पर अपना नाम मैच करा लीजिएगा, साथ में डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस क्या है, किस प्लांट से हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सारा अदर स्टेट वालों के लिए, सभी अदर स्टेट वालों के लिए। ओके, तो ये एग्ज़ाम जो है वो अदर स्टेट वालों के लिए है। ओके, तो बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो भी दोस्त लोग भर रहे हैं वो उन सभी को पता चल सके। ओके, बाकी आपका इस एग्ज़ाम के लिए आपको क्या पढ़ना है, ओके, क्या स्टडी करना है, क्या स्टडी मटेरियल चाहिए, ये हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। बाकी आप अलग से अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक नया वीडियो बनाऊं जो कुछ टिप्स के लिए, ताकि ज़रूरी बातों का इसमें एक सारांश निकल जाए कि आपको क्या क्या मोटा मोटी आपको देख के जाना है जो कि आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो मैक्सिमम चांसेस होगा उसी में से पूछा जाएगा। अगर उस पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वीडियो वो बनाने के लिए प्रयास करूँगा। ओके, बाकी यही हो गया आज के नोटिफिकेशन में, तो अब चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।